हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिकीपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद। और ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, या फिर जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या जेके पीएससी का एग्ज़ाम हो। सो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो जो है वो रेलेवेंट रहेगी। एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, मोहित आनंद। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द अनदर नेम फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम जो था वो क्या था इनमें से? सो योर ऑप्शंस आर हेयर, फर्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट, सेकंड इज स्वदेशी मूवमेंट, थर्ड इज होम रूल मूवमेंट और फोर्थ इज अगस्त क्रांति। तो ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर इज अगस्त क्रांति। बेसिकली अगस्त रेवोल्यूशन कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को, अगस्त रेवोल्यूशन कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को, जो 1942 में स्टार्ट हुई थी। सो ये ध्यान रखिएगा। खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो 1919 में स्टार्ट हुई, स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो 1905 में स्टार्ट हुई, और होम रूल लीग मूवमेंट की बात करें तो 1916 में स्टार्ट हुई। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हु प्रिजाइडेड द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सेशन ऑन 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी का सेशन, इनमें से किन किस लीडर ने प्रिजाइड किया था? सो ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर इज अरुणा आसफ अली। सो अरुणा आसफ अली ने उस टाइम पे ये सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? सो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेशन में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? सो द योर ऑप्शंस आर, द रावलेट एक्ट। रावलेट एक्ट बेसिकली पास हुआ था 1919 में, अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिगनेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि रावलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, 1939 में ही फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 1928 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलके ये एसोसिएशन क्रिएट की थी, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द रॉन्ग स्टेटमेंट इज डी। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग ऑल इज डी, द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड नहीं, इट एक्सेप्टेड द गांधी इरविन पैक्ट। सो गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5th मार्च 1931 को साइन हुआ था, उसको एंडोर्स किया गया था कराची सेशन में, एक्सेप्ट किया गया था कराची सेशन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन नेहरू रिपोर्ट, इनमें से कौन सा प्रोविजन नेहरू रिपोर्ट में नहीं था? सो ध्यान रखिए, नेहरू रिपोर्ट आई है 1928 में एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सो इंडिया मस्ट बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, ये था उसमें स्टेटमेंट। द गवर्नर जनरल मस्ट बी द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, देयर वॉज टू बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट एंड डायआर्की शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंशियल लेवल। ध्यान रखिए, डायआर्की का कॉन्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट में नहीं था, बाकी तीनों कॉन्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट में थे। सेपरेट इलेक्टोरेट को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, गवर्नर जनरल को बोला था वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेगा कंट्री का, जबकि डायआर्की जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अचीव्ड माइलस्टोन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921? सो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी रही है बेसिकली 1920 से लेके 22 तक, उसका जो बेसिक या सबसे अचीव्ड माइलस्टोन जो है वो कौन सा था? इट स्टॉप्ड द इनजस्टिस डन टू द खिलाफत, बिल्कुल नहीं, खिलाफत के इनजस्टिस वैसे ही रहे। खिलाफत मूवमेंट के लिए जो बेसिक एजेंडा था खिलाफत मूवमेंट का रिलेटेड टू द कैलिफ ऑफ्टर की, वो वैसा ही रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडियंस ऑब्टेन्ड सम पोलिटिकल राइट्स, यस, इंडियंस को कुछ पोलिटिकल राइट्स दिए गए। 1919 वाला एक्ट जब पास किया गया तो डायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया गया, तो वो कुछ पोलिटिकल राइट्स इंडियंस को मिले थे। बाकी हिंदूज और मुस्लिम क्लोजर नहीं आए, उल्टा हिंदूज और मुस्लिम जिसके बाद जो थे वो और दूर हो गए, और
पंजाब एट्रोसिटीज़ जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसको अवेंज नहीं करवा पाए, कुछ उसके लिए भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो पाया, तो इंडियंस को बस कुछ पॉलिटिकल राइट्स ही जो थे वो मिले थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गिवन द टर्म इनसिनेट वेस्ट ऑन द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको ध्यान रखना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, एक एजेंडा सेम ही रहा है कांग्रेस का। एक था वो कि स्वदेशी गुड्स को यूज़ करो, और दूसरा है बायकॉट करो फॉरेन गुड्स को। तो फॉरेन गुड्स को जब बायकॉट किया जाता था तो उसको जला दिया जाता था, इट वाज बर्न्ड बेसिकली। तो वही कि उस बर्न्ड फॉरेन क्लोथ्स की जो बर्निंग है उसको कहा गया इंसिनेट वेस्ट। ये किसने कहा था? सो रिमेम्बर द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पे इसको इंसिनेट वेस्ट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कंपेल महात्मा गांधी टू विड्रॉ द नेशंस कॉपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन से इंसिडेंट इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी ने बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी। यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ कि नेशंस कोऑपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जहाँ पे इंडियंस ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया ब्रिटिशर्स से, वो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, एंड दैट वाज एज अ रिजल्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेटर ऑन जो है वो स्टार्ट की गई थी, तो ध्यान में रखेंगे आप। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज द फर्स्ट इंडियन सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ध्यान रखिए, सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट 1798 में लॉर्ड वेलिस्ले लेके आए थे। ये ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का एक सबूत है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का एक वे था जिसमें ब्रिटिशर्स अपना रूल जो थे वो एक्सपैंड कर रहे थे। तो सब्सिडरी अलायंस जो जब स्टार्ट किया गया 1798 में लॉर्ड वेलिस्ले के द्वारा, तो उस टाइम पे कौन सा इंडिया का पहला रूलर था जिसने सब्सिडरी अलायंस को अडॉप्ट किया या एक्सेप्ट किया? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ध्यान रखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपकी जो है वो स्टार्ट होती है 1930 में, और अगर डेट आपको याद हो तो आप देखना 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने चलाया डांडी मार्च, और वही डांडी मार्च मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उस टाइम जो वाइसराय थे इंडिया के, गवर्नर जनरल यहाँ लिखा है बट ध्यान रखिएगा 1858 के बाद गवर्नर जनरल और वाइसराय सेम ही टर्म थी, ठीक है? सो उन्होंने सेम टर्म दे दी थी इसको, वाइसराय नाम चेंज करके रख दिया गया था, बट कई बार आपको वहाँ गवर्नर जनरल भी लिखा मिलेगा। सो लॉर्ड इरविन वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो देखिए, जनरल भक्त खान दिल्ली में थे, कुंवर सिंह बिहार में थे, बिहार में भी प्रिसाइजली आपने जगह का नाम ध्यान रखना जगदीशपुर में थे, उसके बाद खान बहादुर खान जो हैं वो बरेली में थे, बेगम हजरत महल जो थी ये थी लखनऊ में। सो इन्होंने रिवॉल्ट लड़ा है लखनऊ में, जबकि कानपुर में रिवॉल्ट लड़ा है नाना साहेब ने, और इनके कमांडर थे उस टाइम पे तांतिया तोपे, इन दोनों ने कानपुर में लड़ाई लड़ी है ये वाली। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसी वीडियोस जो हैं वो और आती रहेंगी, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और लेक्चर सीरीज़ के साथ।